नमस्कार दोस्तों, दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप एक यूट्यूबर हो, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे आप भी अपने वीडियोस अपलोड कर रहे हो और आपका चैनल मोनिटाइज है और यूट्यूब से आप भी पैसा अर्न कर रहे हो, और अब मैं आपको बता दूं, जो यूट्यूब का नया अपडेट निकल गया है वो यही निकल गया है कि यूट्यूब अब आपके बैंक अकाउंट के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी आपकी अर्निंग डिपॉजिट नहीं करने वाला। और कुछ हमारे YouTube स्टूडियो से संबंधित हमारे कुछ नए अपडेट्स निकल गए हैं, तो वो किस प्रकार से हमारे लिए फायदेमंद साबित होने वाले हैं और किस प्रकार से हमारे लिए नुकसानदायक साबित होने वाले हैं, वो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, YouTube स्टूडियो के ऊपर जब हम जाते थे तो हमारे होम पेज के ऊपर हम हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उतने ही सब्सक्राइबर की मात्रा हम देख सकते थे पुराने के पुराने 28 दिन तक, यानी कि 28 दिन के अंदर कितने लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, उतने सब्सक्राइबर की मात्रा हम देख सकते थे। लेकिन अब यूट्यूब की नई सेटिंग आने वाली है, उस सेटिंग के अकॉर्डिंग हम जो जब चाहे जितने चाहे उतने दिन तक हमारे सब्सक्राइबर की मात्रा हम देख सकते हैं, यानी कि कितने दिनों के अंदर कितने सब्सक्राइबर ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम उस सेटिंग के बाद में हम प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा जो अपडेट्स निकल गया है वो हमारा लाइव स्ट्रीम से संबंधित निकल गया है, यानी कि मेंबर ऑन लाइव स्ट्रीम, यानी कि जो भी हमारे चैनल को हमारे मेंबर्स ज्वाइन किए हुए हैं, जिन्होंने हमारी मेंबरशिप ली हुई है, अगर हम हमारे लाइव स्ट्रीम करते हैं तो हमारी लाइव स्ट्रीम केवल हमारे मेंबर्स को दिखाई जाए, इस प्रकार से हम सेटिंग करके रखते थे। और जो मेंबर्स हमारे लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, अगर उन्होंने हमारे वीडियोस का लिंक सेंड कर दिया तो अदर कोई भी हमारे उस लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन कर हमारा देख सकता था। लेकिन अब यूट्यूब ने ये साफ साफ कह दिया है कि जिन मेंबर्स ने आपको ज्वाइन कर रखा है, अगर आप लाइव स्ट्रीम करते हो तो केवल वही मेंबर आपके लाइव स्ट्रीम को देख पाएंगे, चाहे वो आपके लिंक को शेयर करें या कुछ भी करें, अदरवाइज और भी कोई आपका ये मान लीजिए व्यूअर्स आपके उस वीडियोस को लाइव स्ट्रीम को नहीं देख पाएगा। अगर आपने मेंबर ओनली लाइव स्ट्रीम अगर आप कर रहे हो तो केवल आपके मेंबर्स को ही वो लाइव स्ट्रीम आपको देखने को मिलेगी, तो काफी अच्छा अपडेट निकल गया है। और तीसरा जो अपडेट निकल गया है हमारा यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम से संबंधित निकल गया है, यानी कि अगर आप यूट्यूब से पैसे अर्न कर रहे हो और आपके जो पैसे हैं वो सारे के सारे बैंक अकाउंट के अंदर आपके डिपॉजिट हो रहे हैं, तो यूट्यूब ने ये क्लियर कर दिया है कि जिन लोगों के आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं है यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, वो सारे के सारे जो पेमेंट्स है अब उनके बैंक अकाउंट के अंदर नहीं डिपॉजिट किया जाएगा। पहले उनको अपनी आईडी वेरीफाई करानी होगी, उसके बाद में ही उनका जो पेमेंट है उनके अकाउंट के अंदर विड्रॉ किया जाएगा। हाँ, आपके जो एडसेंस अकाउंट है उसके अंदर आपके जो भी पेमेंट्स है वो आपके इकट्ठे होते चले जाएंगे, ऐड होते चले जाएंगे, लेकिन जब आप अपनी आईडी को वेरीफाई कराओगे, जब आप अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लोगे अपनी आइडेंटिटी को अपलोड करने के बाद में, तब उनका एडसेंस अकाउंट से जरा पेमेंट उनके बैंक अकाउंट के अंदर विड्रॉ कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 2018 से पहले जिन यूट्यूब चैनल ने यूट्यूब से पैसा कमाना स्टार्ट कर लिया था उनको किसी प्रकार की अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं करानी पड़ती थी, यानी कि 2018 के बाद में अगर आपने अपना चैनल बनाया है और आपने अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करा दी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे, आपने अपने इन्फॉर्मेशन अपलोड कर दी, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, तो आपका अकाउंट के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी मान लीजिए प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लेकिन जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई नहीं कराई, यानी कि यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए, तो उनको मार्च के अंदर ये मान लीजिए वेरिफिकेशन के लिए उनको प्रोसेस स्टार्ट करना होगा, और जब वो अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करा देंगे एडसेंस के अंदर, तब उनका सारा का सारा एडसेंस का पैसा उनके बैंक के अंदर विड्रॉ किया जाएगा। यही तीन नए अपडेट्स थे, सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।